हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास है और इंग्लिश में अपन ने पिछली बार द स्क्वायरल नाम की पोएम पढ़ी थी। आज अपन एक और पोएम पढ़ेंगे जो हमारे चैप्टर नंबर 2 के बाद में है, द रेबेल। ठीक है, तो द रेबेल अपन पोएम पढ़ेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द पोएम। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। हमारी पोएम नंबर 2 है, ये सेकेंड पोएम है, द रेबेल। पोएम 2, द रेबेल। ठीक है, देखो रेबेल का मतलब क्या होता है। रेबेल का मतलब होता है विरोधी, विद्रोही, यानी जो हमारी बातों का विरोध करे, अपोज करे। अगर मैं बोलूँ मुझे ठंडा खाना है तो वो बोलेगा नहीं मुझे गर्म खाना है। मैं बोलूँ मुझे दिन में घूमने जाना है तो वो बोलेगा नहीं मुझे रात में घूमने जाना है। मैं जो भी चीज़ बोलूँगा तो मेरा रेबेल कौन होगा, जो मेरे से उल्टी बात करे, अपोजिट बात करे, वो क्या हो गया, रेबेल। जो अपनी बातों का विरोध करे और अपन से उल्टी बात करे, दूसरे तरह की बात करेंगे, वो इंसान अपना क्या हो गया, रेबेल हो गया। डू यू नो एनी वन हु ऑलवेज डिसएग्रीज विद यू एंड योर फ्रेंड्स। आप ऐसे किसी को जानते जो हमेशा आपकी बातों से डिसएग्री, डिसएग्री मतलब असहमत हो आपसे और आपके फ्रेंड से, और लाइक्स टू डू द अपोजिट ऑफ व्हाट एवरीवन थिंक्स दे शुड डू, और वो कुछ ऐसा करना चाहता हो हमेशा उल्टा, अपोजिट मतलब उल्टा करना चाहता हो, जो जैसा कि लोग आमतौर पे सोचते हैं, जैसा करना चाहते हैं उसका उल्टा करना चाहता हूँ। थिंक ऑफ ए वर्ड टू डिस्क्राइब सच अ पर्सन, और इसके लिए एक सोचे कि उस इंसान को अपन क्या बोलेंगे। डिस्कस विद योर पार्टनर सम ऑफ द थिंग्स सच एज पर्सन जनरली डस, और ऐसे पर्सन की चीज़ें आप नोट करें, देखें वो क्या क्या करता है। तो ऐसे पर्सन को अपन क्या बोलेंगे, रिबेल। रिबेल मतलब विद्रोही, विरोधी, अपने हर चीज़ पे विरोध करने वाला। ठीक है, जैसे मान लो आज अगर अपन कांग्रेस और बीजेपी की बात कर लें, सुना है ना कांग्रेस बीजेपी, तो कांग्रेस रिबेल है बीजेपी की और बीजेपी रिबेल है कांग्रेस की, दोनों एक दूसरे की बातों का विरोध करते हैं। ठीक है, क्लियर है। नाउ रीड द पोएम। अब चलो अपन पोएम पढ़ लेते हैं। व्हेन एवरीबडी हैज़ शॉर्ट हेयर द रिबेल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग। When everybody has long hair, the rebel cuts his hair short. जब हर किसी के बड़े बाल हों, छोटे बाल हो, short. जब सबके छोटे बाल होते हैं तो वो जो rebel होगा, ऐसा व्यक्ति जो विरोध करता है, वो अपने बाल बड़े करेगा। When everybody has long hair, अगर सभी के बाल बड़े हों तो rebel क्या करेगा, उल्टा करेगा, cuts his hair short. वो अपने बालों को काट कर छोटा कर लेगा। तो एक विरोधी इंसान, विरोधी क्या होगा कि अगर आपके छोटे बाल हैं तो वो अपने बाल उगा कर बड़े कर लेगा, और आपके बड़े बाल हैं तो क्या कर लेगा, छोटे कर लेगा, ऐसे आपका विरोध करेगा। When everybody talks during the lesson, the rebel doesn't say a word. जब सब कोई लेसन के दौरान, चैप्टर पढ़ने के दौरान सब बातचीत करते हैं, तब तो रिबेल कुछ नहीं बोलेगा, चुप रहेगा एकदम, अपन जो कर रहे हैं उसका विपरीत करेगा। When nobody talks during the lesson, the rebel creates a डिस्टर्बेंस। लेकिन जब कोई भी अगर लेसन के बारे में कोई बात नहीं करेगा, लेसन के दौरान चुपचाप सुनेगा टीचर को, तब वो रिबेल क्या करेगा, उस टाइम पे वो बातचीत करेगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। यानी जो हम कर रहे हैं, चुप होने का काम कर रहे हैं, वो उसका उल्टा करेगा, बातचीत करेगा। होते हैं ना कई बच्चे कि जब टीचर डिस्कस कर रही हो तब तो कुछ बोलेंगे नहीं, उनको खड़ा भी कर दो तो चुप रह जाएंगे, बताओ इस चीज़ का क्या मतलब, चुप रह जाएंगे। और जब सब टीचर शांति से पढ़ा रही होगी, सब बच्चे सुन रहे होंगे, तब वो बातचीत करके क्या करता है, डिस्टर्बेंस। तो ऐसे रिबेल अपनी क्लास में भी कई होते हैं। ठीक है, व्हेन एवरीबॉडी वियर्स अ यूनिफॉर्म, द रिबेल ड्रेसेस इन अ फैंटास्टिक क्लोथ्स। जब हर कोई यूनिफॉर्म पहन के आता है स्कूल की, तो रिबेल क्या करता है, रिबेल मतलब वो भी लड़का या वो व्यक्ति जो विरोध करता है, वो शानदार, फैंटास्टिक, एकदम नए कपड़े पहन के आएगा, कैजुअल कपड़े पहन के आएगा, जीन्स वगैरह, शर्ट वगैरह। व्हेन एवरीबॉडी वियर फैंटास्टिक क्लोथ्स, द रिबेल ड्रेसेस सोबरली। और जब सब अगर नए कपड़े पहन के आएंगे ना, तो उस दिन वो क्या करेगा, ये स्कूल यूनिफॉर्म पहन के सोबरली मतलब सिंपल से ड्रेस पहन के आएगा, सोबरली मतलब सिंपल सी पोशाक पहनना। ठीक है, होता है ना कई बच्चे जिस दिन कैजुअल हो उस दिन तो बोलेंगे मतलब नॉर्मल कपड़े पहन के आएंगे, स्कूल के पहन के आ जाएंगे, और जिस दिन स्कूल के पहन के आने हैं उस दिन बोलेगा मेरी शर्ट ख़राब हो गई, ये ख़राब हो गई, वो फिर टीचर से मार खाता है। ठीक है, इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स द रिबेल एक्सप्रेसेस अ प्रेफरेंस फॉर कैट्स। अगर आप सपन अपन सबको अगर कुत्ते पसंद है, तो रिबेल क्या करेगा, वो कहेगा नहीं मुझे तो कुत्ते पसंद नहीं, मुझे तो बिल्ली पसंद है। यानी इस चीज़ में भी क्या करेगा,
विरोध। एक्सप्रेस मतलब बताना, प्रेफरेंस मतलब पसंद, किसके लिए, कैट्स की पसंद के लिए बताएगा कि मुझे कैट्स पसंद है। इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स द रिबेल पुट्स इन अ गुड वर्ड फॉर डॉग्स। और अगर आप सब अपन सबको अगर बिल्ली पसंद है तो रिबेल क्या करेगा, नहीं मुझे तो बिल्ली पसंद नहीं है, क्या कहेगा, नहीं वो क्या करेगा फिर कुत्ते की तारीफ करेगा। गुड वर्ड मतलब तारीफ करना किसके लिए, कुत्ते की, और कहेगा कि मुझे तो कुत्ते अच्छे लगते हैं। समझ में आ गया, मतलब रिबेल मतलब हमारा विरोधी। ऐसे होते हैं कई जो हर बात में अपना क्या करते हैं, विरोध करते हैं, नहीं ऐसा नहीं वैसा करूँगा, नहीं तुम जैसा करोगे वैसा नहीं करूँगा। When everybody is praising the sun, the rebel remarks on the need of rain. हर कोई कहेगा कि देखो कितनी अच्छी बारिश है, सॉरी कितनी अच्छी धूप है, अच्छा लग रहा है, तो रिबेल क्या कहेगा, नहीं यार बारिश हो जाती तो बहुत अच्छा रहता। तो वो क्या करेगा, रिमार्क मतलब टिप्पणी करेगा किस पे, नीड फॉर रेन, बारिश की ज़रूरत पे, कि बारिश हो जाए तो बढ़िया हो, ठीक है। When everybody is greeting the rain, the rebel regrets the absence of sun. और हर कोई अगर बारिश की तारीफ करे, कितना अच्छा मौसम है, कितनी अच्छी बारिश हो रही है, तो रिबेल क्या कहेगा, नहीं यार सूरज निकल जाता ना तो बहुत बढ़िया होता है। रिग्रेट्स मतलब पछताता है कि ये भगवान सूरज निकल जाता और इनकी ये जो भी बात कर रहे हैं इनका मैं विरोध कर लेता। When everybody goes to the meeting, हर कोई अगर मीटिंग करने के लिए जाता है, मिलने के लिए, the rebel stays at home and reads a book, रिबेल कहेगा मैं तो मिलने नहीं जा रहा, मैं तो घर पे रहूँगा और किताबें पढ़ूँगा, ठीक है, यानी विरोध करेगा। When everybody stays at home and reads a book, the rebel goes to meeting, और हर कोई अगर घर पर रहेगा किताबें पढ़ेगा तो कहेगा नहीं मैं तो मिलने जाऊँगा सबसे, ठीक है, तो विरोध करेगा। When everybody says yes please, the rebel says no thank you, जब हर कोई हाँ के लिए कहेगा भाई हाँ ये चीज़ मुझे चाहिए, ये चीज़ मुझे दे दो, ये कर लो, तो rebel कहे नहीं मुझे तो नहीं चाहिए चीज़, ठीक है। When everybody says no thank you, the rebel says यस प्लीज़, अगर कोई कहे कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, रिबेल नहीं हाँ मुझे तो चाहिए, फिर वो हाँ बोलेगा, अगर अपन ना बोलेंगे तो वो हाँ बोलेगा। इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव रिबल्स, यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन, ये अच्छा है कि हमारे लाइफ में विरोधी हों। देखो अपन इतना पढ़ा कि वो हमारा विरोध करता है, लेकिन लाइफ में रिबेल होना भी, हमारा विरोध करने वाले भी होने ज़रूरी हैं। You may not find it very good to be one. अगर आप खुद एक रिबेल नहीं हो तो वो आपको अच्छा ना लगे, लेकिन आपकी खुद की लाइफ में रिबेल होने चाहिए। क्यों क्यों होने चाहिए, क्योंकि कई बार अपन क्या करते हैं, गलत काम करते हैं, ठीक है, जाने अनजाने में जब गलत काम कर रहे हों, कुछ गलत चीज़ कर रहे हों, तो रिबेल क्या करेगा, हमारा विरोध करेगा, और विरोध करेगा तो मैं गलत काम करने से बचाएगा। जैसे मान लो मैं खेलने जा रहा हूँ, एग्ज़ाम का टाइम है, तो रिबेल क्या कहेगा, नहीं मैं तो पढ़ाई करूँगा, तो उसको देख के फिर अपन भी पढ़ाई करने लग जाएंगे। तो अगर अपन एग्ज़ाम के टाइम खेल रहे तो अपना कुछ गलत कर रहे हैं, तो रिबेल क्या करेगा, अपना विरोध करके पढ़ाई खुद करेगा, उसको देख के अपन भी पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो लाइफ में रिबेल होना बुरा ही नहीं है, कई जगह पे अच्छा भी है। क्यों, क्योंकि अगर अपन कुछ गलत कर रहे हो, हमारे काम में कुछ गलती हो, तो रिबेल हमारा विरोध करके हमारी कमी निकाल के हमारे काम को और अच्छा कर सकता है, हमें कुछ गलत राह पे जाने से बचा सकता है। इसलिए रिबेल भी होना भी लाइफ में सही है, ठीक है। इसलिए अगर आपको लोगों के कोई बात से अगर आप असहमत हो, अगर लगता है कि वो इंसान गलत कर रहा है, तो आपको उसका विरोध करना चाहिए। हो सकता है कि आपके विरोध करने से वो गलत चीज़ छोड़ दे और सही रास्ते पे आ जाए। डी जे एनराइट नाम के राइटर ने ये पोयम लिखी है, ठीक है, आप याद रखें डी जे एनराइट, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है हु राउट द पोयम द रिबेल पोयम किसने लिखी थी, तो आंसर होगा डी जे एनराइट, ठीक है। तो यहीं पे हमारी पोएम समाप्त होती है। अब क्वेश्चंस की बात कर लें। इफ़ समवन डजंट वियर यूनिफॉर्म टू द स्कूल, व्हाट डू यू थिंक द टीचर विल से, अगर कोई यूनिफॉर्म स्कूल में नहीं पहनकर आया तो आप क्या सोचते हो, टीचर क्या कहेगा, द टीचर विल पनिश द स्टूडेंट, टीचर क्या करेगा, या तो उसको कहेगा कि कल से यूनिफॉर्म पहन के आना, दैट यू शुड वियर द प्रॉपर यूनिफॉर्म फ्रॉम टुमारो, और टीचर अगर थोड़ा गुस्से वाला हो तो विल पनिश द स्टूडेंट, वो क्या करेगा, स्टूडेंट को पनिश भी कर सकता है, ठीक है, या फिर फाइन अगर लगाने का तो फाइन लगाएगा, यानी उसका विरोध करेगा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। When everyone wants a clear sky, what does the rebel want most? अगर सभी को साफ सुथरा आसमान चाहिए, यानी कोई बादल नहीं हो, तो रिबेल क्या कहेगा, तो रिबेल विल वॉन्ट क्लाउड्स, अगर अपन को क्लियर स्काई चाहिए तो हमारा विरोधी क्या कहेगा, अरे यार बादल हो जाते ना तो बहुत बढ़िया हो, क्योंकि बादल हो जाने पर फिर आसमान साफ नहीं रहेगा। इफ़ द रिबेल हैज़ अ डॉग फॉर अ पेट, विच इज़ एवरी वन एल्स लाइकली टू हैव, अगर रिबेल अगर कुत्ता पसंद कर रहा है, मतलब बाकी लोग क्या पसंद कर रहे हैं, तो रिबेल कुत्ता क्यों पसंद कर रहा है, क्योंकि बाकी लोगों को क्या पसंद आ रहा है, कैट, एवरीवन एल्स लाइकली टू हैव ए
कैट फॉर ए पेट, कैट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कैट होगी तो फिर रिबेल उसका विरोध करेगा, कहेगा मुझे तो बिल्लियाँ पसंद नहीं, और वो कुत्ता, पालतू जानवर कुत्ता लाने की कहेगा। वाई इट इज़ गुड टू हैव रिबेल्स, रिबेल्स होना अच्छी बात क्यों है? मैंने बताया था समटाइम्स रिबेल्स आर वेरी गुड बिकॉज इफ़ वी डू रॉन्ग थिंग्स देन रिबेल विल अपोज अवर थिंग्स एंड विल स्टॉप अस फ्रॉम डूइंग बैड थिंग्स। तो अगर अपन रिबेल्स हमारी लाइफ में होंगे तो अगर अपन कुछ रॉन्ग थिंग्स कर रहे हैं, गलत चीज़ें कर रहे हैं, तो रिबेल क्या करेगा? हमें विरोध करेगा और हमें रॉन्ग थिंग्स करने से रोकेगा। Why it is it not good to be a rebel oneself? खुद एक rebel होना क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि हम दूसरों का जब अगर विरोध करते हैं तो लोग हमसे घृणा करते हैं। Why do you like to, would you like to be a rebel? If yes, why? If not, why not? क्या आप एक rebel बनना चाहेंगे? हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों नहीं? तो ये आंसर मैं आप ही पे छोड़ता हूँ, आप खुद अपने हिसाब से लिखेंगे, ठीक है। आगे हमारे एंटोनिम सिनोनिम है कुछ। लॉन्ग का बताओ, लॉन्ग का क्या होता है? तो लॉन्ग का क्या होगा? एंटोनिम मतलब अपोजिट मीनिंग, ठीक है। तो लॉन्ग का अपोजिट क्या होता है? एस एच ओ आर टी, शॉर्ट। ग्रो का मतलब क्या होता है? उगना, ठीक है। तो ग्रो का अपोजिट क्या हो जाएगा? तो ग्रो का हो जाएगा कट। ग्रो का मतलब बढ़ना, कट का मतलब कम कर देना, काट के छोटा कर देना, ग्रो से बढ़ता है। क्वाइटनेस का मतलब क्या हो जाएगा? देखो क्वाइटनेस का हो जाएगा, क्वाइटनेस का मतलब होता है शांति, तो क्वाइटनेस का अपोजिट हो जाएगा डिस्टर्बेंस, अशांति। सोबर, सोबर का मतलब होता है सिंपल, साधारण, तो इसका हो जाएगा फैंटास्टिक। फैंटास्टिक का मतलब होता है एकदम फैशन, एकदम तड़क बड़क वाला, फैंटास्टिक, टी ए एस टी आई सी, ठीक है। लॉस्ट का मतलब हो जाएगा फाउंड, अपोजिट हो जाएगा फाउंड। फाइंड इन द पोएम लाइन्स दैट मैच द फॉलोइंग, रीड बोथ वन आफ्टर द अदर। द रिबेल रिफ्यूजेज टू कट इज एयर, द रिबेल सेज कट कैट्स आर बेटर, री रिकमेंड्स डॉग्स। तो देखो कैट्स आर बेटर और रिकमेंड डॉग, ये एक के बाद एक है कि वो, कोई तो कहता है कि कैट और वो कहेगा फिर डॉग के लिए। ही इज एन हैप्पी बिकॉज देर इज नो सन, ही इज नॉइसी ऑन द पर्पस। तो एक ही सन वाली बात भी है, ये तीन लाइन मैच कर दिए, हेयर वाली और पर्पस वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन आंसर्स आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में अगली क्लास में दे देंगे, जिसको आपको कॉपी में करना है। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेगुलर पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।